हेलो एवरीवन, पुनीता क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं ये बूट बनाने सिखाऊंगी आप लोगों को। लेडीज बूट है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा, ये देखने में भी लगता है, लुक वाइज भी अच्छा है और फिटिंग इसका बहुत ही अच्छा आता है। देखिए किस तरह से बना हुआ है ये। इसका हील है, बहुत अच्छे से ये फिटिंग आता है। तो ये मैंने बनाया है, जो ये 8 नंबर का है। आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैं बता दूंगी कैसे आपको छोटा करना है, कैसे बड़ा करना है। देखिए ये 4.5 है, 4.5 है फ्रंट का, और पूरा जो है 10.5 है। ये फुल लेंथ इसका 10.5 है। देखिए यदि 1 नंबर में यदि 8 बनाऊंगी तो इसका 9 कर दूंगी, 9.5 करूंगी। ये फुल लेंथ इसका 9.5 हो जाएगा, और ये जो 4.5 है तो 3.5 हो जाएगा इसका। तो अभी मैं 7 नंबर का बनाऊंगी, तो चलिए आइए मैं शुरू करती हूँ। बहुत इजी है ये बनाना भी, बहुत इजी है। देखिए मैं यहाँ पे 5 चेन ले लूँगी, मैंने 5 चेन ले लिया। इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया मैंने। और इसमें मुझे अभी 8 डबल क्रोशिया बनाना है। एक ये हो गया 1, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। देखिए 8 क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे इसे, और जो 8 क्रोशिया बनाई सब में दो दो डबल क्रोशिया इसमें डालेंगे, दो सभी में दो दो डबल क्रोशिया डालेंगे। मैं भी करके बताती हूँ। देखिए मैंने ये 16 डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए सब में दो दो मैंने बना लिया, तो 16 डबल क्रोशिया हो गया। चलिए अब आगे बताती हूँ। यहाँ पे हमें 2 चेन मैंने ले लिया, और इसको जो है ये फ्रंट लूप से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम फ्रंट लूप से, देखिए इस तरह से, फिर इसी में एक बार और बनाएंगे, इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे हम सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम फ्रंट लूप से ये हम डबल क्रोशिया 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार ये बन गया, फिर यहीं से एक बार और हम ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे
सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे डबल बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरी लाइन बनेगी। देखिए ये किस तरह से बन गया। अब आगे देखिए, हम यहाँ पे दो बार चेन लेंगे, इसके बाद फ्रंट लूप से ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से यहाँ पे हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम फ्रंट लूप से ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक हम बनाएंगे नॉर्मल डबल क्रोशिया और एक बनाएंगे फ्रंट लूप से बनाएंगे। एक नॉर्मल डबल क्रोशिया और एक फ्रंट लूप से बनेगा। पूरी लाइन जो है ये ऐसे ही चलेगी। देखिए ये इस तरह से बन के आ गया। फिर से यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया लूँगी, ये फ्रंट लूप वाला फ्रंट लूप से बनाऊँगी। फिर यहाँ नॉर्मल डबल क्रोशिया, फिर ये फ्रंट लूप वाला फ्रंट लूप से बना लूँगी। देखिए ये फ्रंट लूप वाला है, ये नॉर्मल वाला है। ऐसे ही हमारा चलेगा। ये ऐसे ही हमें फोर एंड हाफ बनाना है। ऐसे ही हमें इतना बनाना है, फोर एंड हाफ बनाना है। जैसे इसका तो नहीं, थ्री एंड हाफ बनाना है। ये बड़ी साइज है तो एक नंबर हम छोटा बनाएंगे, तो हम थ्री एंड हाफ बनाएंगे। चलिए इतना मैं करती हूँ, करके आगे को बताती हूँ। देखिए ये भी हमारा बन गया। ये ऊल भी जो है मेरा थोड़ा मोटा ऊल है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऊल आप लोग का पतला होगा तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा ले लीजिएगा। जो मैंने एट लिया डबल क्रोशिया, और आप दो बढ़ा लीजिएगा, टेन कर लीजिएगा, ट्वेल्व कर लीजिएगा। देखिए थ्री एंड हाफ हो गया ये। भाई आगे दिखाती हूँ कैसे बनेगा। देखिए वन टू थ्री फोर, हमें यहाँ से यहाँ तक ही बुनाई करना है। यहाँ से मैं यहाँ तक लाऊंगी। मैं दिखाती हूँ अभी कैसे होगा। वन टू, देखिए ये डबल क्रोशिया बन रहा है।
सभी में हम ये नॉर्मल डबल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो है 8 क्रोशिया को हम छोड़ करके बाकी सबको हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का है, ये हमारा फ्रंट है, ये देखिए। फिर यहाँ पे हम दो चेन लेंगे और यहीं पे हम फिर से शुरू कर देंगे बनाना डबल क्रोशिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 8 रो करेंगे। ये हमारा 8 रो जाएगा इसी तरह से। तो आइए बना के दिखाती हूँ आगे। देखिए ये हमारा 8 रो जो है कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा 8 रो जो है कंप्लीट हो गया। आइए आगे कैसे बनेगा बताती हूँ। इसमें हमारा 16 डबल क्रोशिया है, यहाँ पे अभी 16 डबल क्रोशिया है। 1 2 2 चेन लेकर के फिर एक ये हो गया डबल क्रोशिया, एक ये हो गया 2 3 4 5 6 ये 7 7 वाले को इस तरह से ले करके फिर हम इसमें भी इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको भी ले करके इस तरह से, देखिए सबको ले करके एक कर देंगे। फिर यहाँ भी हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 अभी हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 4 5 and 6 6 ये 6 वाले को हम क्लोज नहीं करेंगे, इस तरह से रखेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से ले लेंगे, फिर यहाँ भी इस तरह से ले लेंगे। देखिए इसको एक साथ हम बुनाई कर लेंगे। फिर यहाँ हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2
थ्री फाइव सिक्स, ये जो बन रहा है हमारा हिल है, हिल बन रहा है। वन टू, टू डबल क्रोशिया, अभी हम फाइव ले लेंगे। एक चेन भी डबल क्रोशिया में आ गया, एक ये टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव को हम इतना पे ही रखेंगे, फिर इस तरह से करेंगे इसको भी, सबको लेकर के एक साथ बुनाई कर लेंगे। फिर इधर भी हम फाइव डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखो इस तरह से ये बन गया। अभी हम इसे क्लोज कर देंगे, अभी हम इसे बैक साइड से इस तरह से क्लोज कर देंगे। आइए देखो, सबको मैंने क्लोज कर दिया। ये देखिए ये हमारा हिल बन गया, और इस तरह से ये बन के आ गया। अब हमें इसको बनाना है। चलिए आइए देखते हैं आगे कैसे बनेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम डबल चेन ले लेंगे दो बार, और यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक में हमें दो दो बार डबल क्रोशिया लेना है। देखिए ये जो है ना, इसमें सब में हमें दो दो डबल क्रोशिया लेना है। देखिए मैं यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। देखिए जितना मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया था, एट रो जो मैंने बनाया था, उस सब में मैंने दो दो ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब आगे में ये जो फ्रंट साइड है, इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हर एक में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
अब यहाँ सभी में हम दो दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये मैं साइड में आ गई हूँ, देखिए यहाँ पे मैं सब में दो दो डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। देखिए ये मैंने बना लिया यहाँ तक, अब इसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर दूँगी। देखिए ये इस तरह से बन गया है। आप चाहें तो इसे और बुनाई करके इसे और ऊपर उठा सकती हैं, जैसे कि देखिए मैंने इसमें किया है, मैंने इसमें 3 रो दिया है मैंने, देखिए इस वाले में मैं 3 दी हूँ। आप चाहें तो इसे और भी बड़ा कर सकती हैं और नहीं तो इतना पे ही आप छोड़ सकती हैं। मैं एक 1 रो और बनाऊंगी, इसको जो 1 है वो 2 कर दूंगी, 2 रो कर दूंगी। मैं अभी 2 रो करके दिखाती हूँ। देखिए ये बन के रेडी हो गया, ये 7 नंबर के लिए है। बहुत सुंदर ये फिटिंग बहुत अच्छा आता है, आप लोग भी बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का बहुत सारा वीडियो मैं लाने वाली हूँ। ये वाला फ्लावर का जो मैं लगाई हूँ, ये वाला फ्लावर का भी मैं बना करके वीडियो अपलोड कर दूँगी। चलिए वीडियो वॉच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।